हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम एक नई माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की वैकेंसी को लेकर आप सभी के बीच हाजिर हुआ हूँ। तो आज हम फुलट्रॉन इंडियन ग्राम शक्ति प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो यह रिक्वायरमेंट आई हुई है, इस पर हम बात करेंगे। पूरी डिटेल्स इस वीडियो में आपको देंगे, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। किन पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट आई है और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या चीज़ चाहिए और कहाँ पे यह इंटरव्यू होने वाली है और कब होने वाली है, तो ये सारा चीज़ इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। बस वीडियो में आप बने रहें। अगर हमारे चैनल पर अगर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में उनको बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के कॉन्टेंट आपको मिलते रहे। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में चलिए देते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करें तो वह है कंपनी फुलट्रॉन इंडियन ग्राम शक्ति प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और बहुत ही अच्छी सैलरी भी देती है कंपनी। अब बात कर लेते हैं पोस्ट की। बात करें तो पोस्ट जो है दोस्तों, वह ट्रांजेक्शन ऑफिसर पोस्ट का यह रिक्वायरमेंट आई हुई है। ट्रांजेक्शन ऑफिसर पोस्ट जो होता है दोस्तों, कैशियर जिसको कहते हैं दोस्तों, इन पोस्टों का जो कि आप समझ ही चुके होंगे, कैशियर कितनी बड़ी अच्छी पोस्ट है। आपको सिर्फ ऑफिस में रह के ही काम करना होगा दोस्तों, फील्ड जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी मौका है। तो अब एज की बात करें तो एज जो है वह है 18 से 29 साल इनकी एज रखी गई है। अगर 18 से 29 के बीच अगर हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अब इनकी एक्सपीरियंस की बात करें कि एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, आपके पास इसकी कोई तरह की एक्सपीरियंस चाहिए तो हाँ, कम से कम 1 साल के आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी MFI में, यानी माइक्रो फाइनेंस में, आप किसी भी माइक्रो फाइनेंस में काम किए होंगे। और इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन किए हैं तो ही आप इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन आपकी नहीं हुई है तो आप इस कंपनी में इंटरव्यू, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। इन पोस्टों के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ होना चाहिए आपके पास, वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले टाइपिंग जो है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप टाइपिंग जानते हैं, कम से कम 25 का स्पीड आपके पास टाइपिंग होना चाहिए। MS वर्ड के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए और डाटा एंट्री का पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये सारा चीज़ आपके पास जानकारी होनी चाहिए तभी जाके आपको सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि इंटरव्यू में इससे संबंधित सारा चीज़ आपको पूछा जाएगा। अब इनकी सैलरी की बात करें तो सैलरी बहुत ही बेहतरीन सैलरी रहने वाली, और इंसेंटिव और मेडिकल इंश्योरेंस ये सारा चीज़ फैसिलिटी कंपनी के द्वारा दी जाती है। सैलरी के अलावा आपको इंसेंटिव भी मिलेगा, मेडिकल अलाउंस, मोबाइल अलाउंस, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारा चीज़ कंपनी के द्वारा दिया जाएगा सैलरी के अलावा। अब इसकी लोकेशन, इंटरव्यू लोकेशन की बात करें तो इंटरव्यू लोकेशन जो है वह है स्क्वायर कॉम्प्लेक्स सेकेंड फ्लोर अपोजिट पुलिस लाइन नॉर्थ NH 22 लाल पोखर दीघा कला हाजीपुर बरान वैशाली। यहाँ पे यह इंटरव्यू चल रही है दोस्तों। अगर आप नहीं अच्छी तरह से सुन पाए हैं तो फिर से सुन लीजिए, और नहीं तो होगा तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में भी आपको एड्रेस दे देंगे। स्क्वायर कॉम्प्लेक्स सेकेंड फ्लोर अपोजिट साइड पुलिस लाइन नॉर्थ NH 22 लाल पोखर दीघा हाजीपुर वैशाली, यह इंटरव्यू लोकेशन है जो कि आप यहाँ पे जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। तो किन डेट में यह इंटरव्यू होने वाले है, तो डेट की सबसे पहले तो जानकारी होनी चाहिए कि किन डेट में इंटरव्यू होने वाले, क्योंकि तो आप बिना डेट के जाएंगे तो इंटरव्यू लेगा नहीं। तो डेट की बात करें तो वह है 2 दिसंबर को यह इंटरव्यू होने वाली है। 2 दिसंबर को आप इन लोकेशन पे जाके, इन ब्रांच पे जाके आप इंटरव्यू दे सकते हैं दोस्तों। तो 2 दिसंबर को जरूर जाइए, जाके दीजिए इंटरव्यू और सिलेक्शन लीजिए, जो क्योंकि बहुत ही बेहतरीन पोस्ट रहने वाली है। ट्रांजेक्शन ऑफिसर जो कि एक ऑफिशियल वर्क है, सभी कोई चाहता है कि ऑफिशियल वर्क हम करें। तो अगर आप इन सभी कैटेगरी में अगर है, आपके पास सारा चीज़ है, टाइपिंग, MS ऑफिस, डाटा एंट्री के बारे में जानते हैं, आप जरूर जाइए और इंटरव्यू दीजिए और अच्छी अच्छी खासी सैलरी इसमें आपको मिलेगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी मिला होगा दोस्तों।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको हम अपने चैनल पर देते रहते हैं। जय हिंद दोस्तों।